ना हो वैसा। हाँ साहब, आप जब भीमपला से गाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? दरअसल भीमपला से गाते हुए जो हम बंदिश इसमें गाना चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और रागों के सिद्धांत को ध्यान में राग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से उस राग को विस्तार करते हैं जिससे कि उसकी वो भावना रहे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग इसमें कुंजन में रचो रास गाते हैं तो उसका वो भाव रहना चाहिए, कुंजन में रचो रासे कुंजन, ये इस प्रकार से ही राग का विस्तार होगा। और जब हम इसकी उपज करेंगे यानी लय का काम करेंगे तो उसके भाव का ध्यान रखते हुए करेंगे, कुंजन मेरे चो रासे कुं, इस प्रकार से हम लोग राग का ध्यान रखते हुए उसकी भावना को देखेंगे। Careful about your movement, na? I'm careful about. Okay, that's our action. हाँ सर, जी। आप जब भीमपला से गाते हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? दास साहब, ऐसा है कि जब हम इस राग को भीमपलासी को गाते हैं तो बंदिश को पहले सोच लेते हैं कि कौन सी इसमें बंदिश गानी है। तो जिस भाव की बंदिश है या राग का भाव जो है उसके हिसाब से हम उस राग का विस्तार भी करते हैं और बंदिश भी गाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग इसमें गाते हैं कुंजन में रचो रास, कुंजन मेरे चो रास कुंजन मेरे चो रास। अब जैसे इसकी ये तो बंदिश का भाव हो गया, राग का भाव हो गया, लेकिन अगर इसमें हम जैसे लयकारी का उपज काम करेंगे तो पहले ये कोशिश करेंगे कि इसके भाव के पक्ष को रखते हुए कुंज में रे चो रास कुंज में रे चो रास कुंज, इस प्रकार से करेंगे उसका। आपने सबसे पहले भीमपला सी जब सुनी तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले मैंने भीमपला सी जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद हुसैनुद्दीन खान डागर जो कि तानसेन पांडे के नाम से मशहूर थे उनसे सुना, लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए उस वक्त तो मैं सिर्फ राग सुन सकता था और जब बताया कि ये भीमपला सी है तो ये भीमपला सी है इस तरीके से किया। लेकिन जब मैं खुद गाने लगा और गाने के टाइम में जब आदमी के खुद का अपना मनन चिंतन वाले हिसाब शुरू होते हैं तो मुझे इसमें लगा कि ये इसमें श्रृंगार और करुण का दोनों मिश्रण है और बहुत ही अपीलिंग राग लगता है, क्योंकि इसके कुछ स्वर इस प्रकार से हैं जैसे रे ने ने रे ना रे ने ने, तो ये आंदोलित जो स्वर किया है इसके भी पीछे एक अर्थ है कि कैसा लग रहा है रे ना रे ने रे ना ने ते तेरे रे इस प्रकार से हम लोग को जो अब समझ में आता है कि ये इस राग को और कितना सोचा जाए और सारी जिंदगी पड़ी है सोचने के लिए, आदमी कंप्लीट तो हो नहीं सकता ऐसा मेरा मानना है। कट।
एक्शन। खान साहब, राग भीमपला सिंह के बारे में आपका क्या विचार है? ये एक बहुत सुंदर राग है, बहुत मोह लेने वाला राग है, और ज़्यादा तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस राग को खुद गाएंगे तो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं कि उसके क्या क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि इसका जो करुणा और श्रृंगार का जो दोनों का मिलन है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि आदमी उसके बहाव में बहता है, इस प्रकार से ऐसा मुझे महसूस होता है। और इन स्वरों से, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाने के लिए जो अलग अलग वेरिएशन लेते हैं, उसमें एक एक अलग प्रकार का एक रंजकता बनती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। खान साहब जी, राग भीमपला सिंह के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार यह है कि जब राग मुझे थोड़ा समझ में आने लगा, उसके भाव समझ में आने लगे, तो मुझे लगा कि इस राग का श्रृंगार और करुण का एक मिश्रण है, जो कि बहुत ही भावुकता से लगता है, जैसे कि बहुत भावात्मक लगता है, और जैसे एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि कोई पेयर या कोई कपल एक दूसरे का इंतज़ार कर रहा हो और अचानक वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो एक आंखों आंखों में जो बात होती है देखने में, उस प्रकार से इस राग का विस्तार लगता है मुझे। ग्वालियर घराने के गायक भीमपला सिंह में गांधार और निखात पर आंदोलन करते हैं, डागरवाणी में इस राग का किस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है? डागरवाणी में हर एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, राग की शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता, स्वरों का की शुद्धता, स्वरों का विस्तार की शुद्धता, और अगर ये इस राग के अंदर जैसे कि करुण और श्रृंगार का मिश्रण है, तो अगर इसको करुण भाव से गाया जा रहा है तो वो शब्दों पे भी ज़्यादा जोर देने से, जैसे रे रे न रे न, मैं इसको इस प्रकार से गाना पसंद करूँगा, रे रे न रे न रे न, तो ये अपना अपना मत है कि आप किस प्रकार से इसको गाना चाहते हैं। रहा गंधार का और निषाद का, तो प म ध प नी ध प द प मा प म ग ग प मा मा ग नी सा ग मा प ग मा ग ग रे सा, हमारे यहाँ निषाद और गंधार को इस प्रकार से और ऋषभ को इस प्रकार से यूज किया गया है, म ग ग रे सा, जैसे कि मैं किसी पे कोई किसी के ऊपर कोई शब्द कह नहीं रहा हूँ, अपना अपना तरीका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त ये लोग ऋषभ पे या निषाद पे रुकते हैं, ग म प नी, तो ये निषाद मुझे इसकी लगती ही नहीं है, मुझे नहीं लगती, क्योंकि एक तो क्योंकि हम लोग डागर परिवार जो है वो मेलकर्ता पद्धति से गाते हैं, तो थोड़ा तो ये फर्क आता है, लेकिन फिर भी उन स्वरों को तो आप नहीं हटा सकते, ग म प नी, ये सुनता चला रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ग म प नी 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 ध प नी ध प, अगर खड़े भी हो आप तो नी ध प नी ध प नी, अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको कैसे कौन सी नी आप बरतना पसंद करेंगे। दूसरी बात, ऋषभ का जहाँ तक सवाल है, तो
इनके आसपास के जो राग हैं, अगर आप ऋषभ पे खड़े होते हैं तो मधुवंती बराबर खड़ी है, माँ गे सा, इतना न्यास तो मेरे ख्याल से ऋषभ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि माँ गे सा ये ज़्यादा उचित लगता है मुझे। आप बाकी साहिबान को क्या लगता है वो उनका अपना सोचना है, अपना विचार है। डागर सर जी, आप लोग राग भीम को भी गाते हैं, भीम पलासी को भी गाते हैं जी, इन दोनों रागों में रिश्ता आप कैसे जोड़ते हैं? देखिए भीम तो एक बिल्कुल अलग अलग है राग, और भीम पलासी को जैसा सुनते चले आ रहे हैं वो एक ही रूप माना गया है और एक ही रूप देखते हैं, इसलिए इसको करुण, और मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो करुण और श्रृंगार का मिला जुला रूप है, इसलिए इसको एक ही स्वरूप माना गया, और किसी से इसके लिए कुछ सुना भी नहीं कि भाई कोई इसको अलग करो या इसको जैसे जोड़ के रागों का होता है, इसमें ऐसा लगा नहीं कहीं। और रहा भीम का सवाल, तो भीम तो ज़रा इससे हटके ही है, जैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार से भीम गाया जाता है, रे ना रे रे ना रे ना तेरे ना रे ना रे ने तेरे रे ने रे ना रे ने ने तेरे रे ना रे रे ना 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 रे रे। आपने अभी जो गाया जी इसमें जोक जैसा अधिक लगा, तो भीमपलासी में जोक का आभास वो कैसे? देखिए जोक जो है वो इसी में से निकाला हुआ राग है, क्योंकि जोक का जो स्वरूप बना दिया ग म ग नी ग सा, और अगर हम लोग जोक गाएंगे तो हम ग म ग सा जरूर यूज करेंगे, लेकिन कोमल गंधार का विस्तार पहले करेंगे, प्रथम मन निरंकार रे ना रे ना तेरे ना रे ने रे। तो भीम के अंग से गाते हैं हम लोग, रे ना रे ना इस प्रकार से। अगर भीम से आप भीमपलासी में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो इसका जो ऊपर का अंग जाता है ना, तेरे नान रे 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 नू, ये जाता ही है ना, रे नू रे ने ने रे नान रे रे नून तेरे ना रे ना रे ने ने तेरे रे ने रे ना तेरे रे रे ने रे ना रे ने रे ना ना रे ने Yeah.
डागर साहब, जी हम कहते हैं कि आलाप के जरिए राग का संपूर्ण रूप प्रकट किया जाता है, जी तो आप इस राग को कैसे प्रस्तुत करना पसंद करते हैं? राग की प्रस्तुतिकरण में जो उसके माधुर्य पक्ष है, जो उसका सौंदर्य पक्ष है, उसको रखते हुए। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि हम किसी भी राग को अपने ग्रिप में करने के लिए उसको जो पहले सिखाया जाता है वो नी सा ग मा प नी सा नी द प मा ग रे सा, ये रूप रहता है। जब वो ग्रिप में आता है नी सा ग मा प नी सा नी द प मा ग रे सा, ये रूप बनता है। और जब उसका एक असल रूप सामने बनता है, यानी गाने के हिसाब से ना ते तेरे ये इसका एक पक्ष है, फिर इसका मध्यंग, फिर इसका द्रुतंग। लेकिन मध्यंग तो ठीक है, द्रुतंग में मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस प्रकार का राग, जो उसका रस, जो उसका भाव है, उतना ही उसका द्रुतंग करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो बात भी कर रहा हूँ मैं अपने खुद के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और क्योंकि ये जो तीसरा स्टेज है रे ना, ये मदंग का जो है ये वीणा का अंग है, और जो तीसरा अंग है वो भी वीणा का अंग है, क्योंकि मिजराब और चिकारी का न जो डड़ है वो मिजराब है, जो रन ये चिकारी है। अब इसमें तेरे रहने ना, ये हम लहक अंग की गमक को ज्यादा पसंद करेंगे, जबकि उसको तेरे रहने 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 ना, मेरे हिसाब से मैं उसके खंड को तोड़ रहा हूं। तो मैं उसको कोशिश ये करूं तेरे रहने 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 ना, रे 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 रहने ना, ते तेरे ना रे 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 ना रे ना एक जैसे फूल खिल जाता है उस प्रकार नौ रे। आज देखता है आदमी कि अरे बगीचे में फूल लगे हुए हैं, तो उस प्रकार नौ रे, लेकिन कौन सा फूल उसको पसंद आता है वो ले लेता है ना। नौ रे 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 ना रे ना तेरे ना रे ना रे ना रे ना ते तेरे ना रे नू। और दास साहब कुछ और क्वेश्चन करेंगे? हाँ साहब, जी आजकल के मौजूदा हालात में शास्त्रीय संगीत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? आजकल के शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत तो वो संगीत है कि जो कभी मर ही नहीं सकता, और उसका भविष्य तो हमेशा ही उज्जवल रहा है। हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों ने इसको इंस्टेंट बना दिया है,
कि भाई दे दो तैयार करके और गाना बजाना तैयार है, 10 राग सीख लिए और उसके बाद में गाना बजाना तैयार है, तो इससे इसके भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भविष्य तो ये तो साधना, अपने यहाँ का जो संगीत है वो आराधना का संगीत है जो कि साधना के तरीके से किया जाता है, तो ये क्या इस ये इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ देखिए ना, फर्क इतना है कि आज हमारे संगीत को वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो हैं वो अपना रहे हैं, वो बहुत पीसफुली सुनना पसंद करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पसंद करते हैं, सीखने आते हैं तो सारा ध्यान उनका रहता है, सीखने में ही रहता है। लेकिन इसको दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि क्या है कि वो एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो भारतीय संगीत जो है भारतीयों के लिए ऐसा ही लगता है कि वो ऐसा है, लेकिन जब वही आर्टिस्ट जब अपना नाम कमाते हैं तो वो फिर ध्यान आता है कि भाई ये हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति क्या है, तो ये तो कभी भी नहीं मर सकती और ये जीवित रहेगी, और इसके करने वाले भी हैं और जिनके वजह से रखा हुआ है वो है, और वो पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी। स्पीक मेकिंग के प्रोग्राम्स वगैरह में देखता हूँ मैं कि स्कूल में और कॉलेजेस के अंदर में किस तरह से सवाल करते हैं वो लोग, बच्चे 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे किस तरह से सवाल करते हैं, ये देखने के काबिल रहता है। अभी मैं लास्ट लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज़ में उसे काफ़ी और दरबारी की फरमाइश की गई 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, तो ये तो मैं कैसे मान लूँ कि इसका भविष्य खराब है। आज के दौर में शास्त्रीय संगीत की क्या भूमिका या रोल है? शास्त्रीय संगीत की भूमिका ये है कि आप वापस, मतलब दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि आप पुराने फिल्मी गाने वापस सुनने लगे जो कि रागों पे आधारित है, ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। तो क्लासिकल म्यूजिक जो शास्त्रीय संगीत है वो भविष्य उसका अच्छा ही है, और लोग बाहर ले जा रहे हैं आर्टिस्टों को, हमारे भारतीय आर्टिस्टों को फुर्सत नहीं है इंडिया में रुकने की, आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा ज़रूर मानना है कि ये हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, ऐसा ना हो कि जैसे वेदों के लिए अगर किसी को रिसर्च करने हो तो जर्मनी जाना पड़े, इस प्रकार से भारतीय संगीत के लिए भी कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर जाके सीखना पड़े, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से कि ये सही सलामत यहाँ रहे। Oh.
गोपाल संग
होंगे। आपके हाथ जहाँ पे है उसके सीने में। बस ठीक है, देखो ना, ओके चलो ठीक है। तुलसी जी, तुलसी खान साहब, ओके रेडी एक्शन। खान साहब, आप जब भीमपलासी गाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? लुक बिगड़ गया। मेरे तरफ हाँ बोलो। खान साहब, आप जब भीमपलासी गाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? खान साहब, आप जब भीमपलासी गाते हैं तो आपको कैसा लगता है? खान साहब, जब आप भीमपलासी गाते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपने सबसे पहले भीमपलासी जब सुनी तो आपको कैसा लगा? आपने सबसे पहले भीमपला से जब सुनी तो आपको कैसा लगा? सुना कर दें। आपने सबसे पहले भीमपला से जब सुना तो आपको कैसा लगा? आपने सबसे पहले भीमपला से जब सुना तो आपको कैसा लगा? आपने सबसे पहले भीमपला से जब सुना तो आपको कैसा लगा? राग भीमपलासी के बारे में आपका क्या विचार है? राग भीमपलासी के बारे में आपका क्या विचार है? राग भीमपलासी के बारे में आपका क्या विचार है? राग भीमपलासी के बारे में आपका क्या विचार है? रिपीट कर लेते हैं क्योंकि मेरा सब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इन दोनों रागों का रिश्ता कैसे जोड़ते हैं? ओके। डागर साहब, आप राग भीम भी गाते हैं, भीमपलासी भी गाते हैं, लेकिन इन दोनों रागों का रिश्ता आप कैसे जोड़ते हैं? और एक बार बोलूं? डागर साहब, आप राग भीम भी गाते हैं, भीमपला से भी गाते हैं, लेकिन इन दोनों रागों का रिश्ता आप कैसे जोड़ते हैं? पहला जो था वो बेहतर था, लेकिन ये बोलना अच्छा।
आपने जो अभी अभी गाया उससे राग जोग का आभास अधिक मिला। आपने जो अभी अभी गाया उससे राग जोग का आभास अधिक मिला। आपने राग भीम को जोग के साथ कैसे जोड़ा? आपने जो अभी अभी गाया उसमें राग जोग का आभास अधिक मिला। आपने राग भीम को जोग के साथ कैसे जोड़ा? आपने जो अभी अभी गाया उसमें राग जोग का आभास अधिक मिला। आपने भीम को जोग के साथ कैसे जोड़ा? तो आप भीम से भीमपलासी में कैसे जाते हैं? तो आप भीम से भीमपलासी में कैसे जाते हैं? ग्वालियर घराने के गायक गांधार और निषाद पर आंदोलन करते हैं, डागरबानी में इसे गाते वक्त किस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है? नहीं, लुक का बिगड़ गया था वो मुझे। और मुंडी हिलाना। ग्वालियर घराने के गायक गांधार और निषाद पर आंदोलन करते हैं, डागरबानी में इस राग को गाते वक्त किस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है? आंख बंद हो गया। ग्वालियर घराने के गायक गांधार और निषाद पर आंदोलन करते हैं, डागरबानी में इस राग को गाते वक्त किस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ग्वालियर घराने के गायक गांधार और निषाद पर आंदोलन करते हैं, डागरबानी में इसे गाते वक्त किस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है? दूसरा या इसी को? अच्छा, ओ हमने सोचा कि ये हो गया। हम कहते हैं कि आलाप के जरिए राग का संपूर्ण रूप प्रकट किया जाता है। आप जब इसे प्रस्तुत करते हैं तो किस बात पर अधिक ध्यान देते हैं? हम कहते हैं कि आलाप के जरिए राग के संपूर्ण रूप को प्रकट किया जाता है, लेकिन आप जब इसे प्रस्तुत करते हैं तो किस बात पर अधिक ध्यान देते हैं? आजकल के नहीं, और एक है। आजकल के मौजूदा हालात में शास्त्रीय संगीत के बारे में आपका क्या राय है? आजकल के मौजूदा हालात में शास्त्रीय संगीत के भविष्य के बारे में आपका क्या राय है? आपकी क्या राय है? आजकल के मौजूदा हालात में शास्त्रीय संगीत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? आजकल के मौजूदा हालात में शास्त्रीय संगीत की भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? भविष्य मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, आजकल के मौजूदा हालात में शास्त्रीय संगीत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? खान साहब आज के दौर में शास्त्रीय संगीत की क्या भूमिका है?
दौर। खान साहब, आज के दौर में शास्त्रीय संगीत की क्या भूमिका है? खान साहब, आज के दौर में शास्त्रीय संगीत की क्या भूमिका है? खान साहब, क्या बताएंगे कि आज के दौर में शास्त्रीय संगीत की क्या भूमिका है? Yeah.